लंबे समय से पूरे भारत के भ्रमण पे हूं और जहां भी अन्याय अत्याचार होता है वहां जा जाके मैं प्रयास करता हूं कि उस परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश के साथियों को जिम्मेदारी दी थी कि मार्च सितंबर तक आप अपने संगठन का निर्माण कर लो, अपना संगठन बूथ ब्लॉक विधानसभा जिला मंडल संभाग और प्रदेश का मजबूत कर लो। जब आपका संगठन मजबूत हो जाएगा तब उसके बाद उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार को सबक सिखाने के लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे और जिस दिन हम लोग रोड पर उतरेंगे उस दिन ये स्वयं भी गूंगी मेरी सरकार जाग जाएगी और जो अन्याय अत्याचार कमजोर वर्ग के लोगों को जो अन्याय अत्याचार एससी ओबीसी माइनॉरिटी महिलाओं के प्रदेश में हो रहा है उन्हें के अन्य अत्याचार का हिसाब इस गूंगी बहरी सरकार से हम लोग मांगने का काम करें। और मुझे लगता है कि महासितंबर खत्म होने से पहले आप लोगों ने कमर कस ली है और मुरादाबाद की सरजमी ऐलान कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब खेत जाए, उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार अब समझ जाए और अब उनकी सरकार में कमजोर वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं तो उसका जवाब देने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जो है चक्का जाप देने का काम करेगी। यही ऐलान करने के लिए आज एक जनसमूह यहां उपस्थित है। साथियों आपकी संख्या ही उत्तर प्रदेश में भारत में बहुत है और जहां तक मैं समझता हूं महापुरुषों ने जब अपने जीवन का अमूल्य समय आंदोलन में दिया तो उनकी इच्छा शक्ति थी कि जिस दिन हमारे लोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अपने बुनियादी अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए मैदान में उतरेंगे अपनी वोट की वैल्यू को समझेंगे उस दिन प्रदेश में और देश में शोषित वर्ग के लोगों का लाभ आएगा। आज इस डबल इंजन की सरकार में जो उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी कमजोर वर्ग के लोग और ज्यादा कमजोर हुए हैं उनके साथ जुल्म जाति में अत्याचार बढ़ा है। अगर मैं बात करूं बाबा साहब अम्बेडकर की तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो। मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि वो मेरी इस बात पर गौर करें। हम लोग शिक्षित भी हुए संगठित भी हुए लेकिन हमें संघर्ष इसलिए करना था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संघर्ष करो तो उनका इशारा यह था कि सत्ता के लिए संघर्ष करो, इस देश की राज व्यवस्था पर काबिज होने के लिए संघर्ष करो। उनका इशारा यह था कि पॉलिटिक्स का मास्टर की राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए संघर्ष करो और हम लोग संघर्ष करते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए। मैं मानता हूं जिनकी सरकार होती है उनके समुदाय को रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई कभी नहीं लड़नी पड़ती। बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट इशारा करते गए कि राजनीति में भागीदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैं ये मानता हूं कि हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा तो है लेकिन उनको उनके आदर्शों पर चलने का कार्य जो है लंबे समय से हम लोग रोके हुए। अब हम पिछले कुछ साल से अपने महापुरुषों को पूज रहे हैं, हम अपने महापुरुषों की स्टैचू लगाते हैं, उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, उनके पैर छूते हैं और पैर छू के उनके आगे ये बात कहते हैं कि बाबा साहब हमारी जिंदगी में बदलाव कर देना, हमारी जिंदगी में अच्छे दिन ला देना। मगर मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर वो सच्चे थे जो कह के गए कि मुझे पूजने की नहीं पर मुझे पढ़ने की जरूरत। उन्होंने इशारा किया कि मैं मूर्तियों में नहीं मैं किताबों में हूं, आपको किताबों को पढ़ना चाहिए और
और इस देश की राजसत्ता कैसे लेना, कैसे हासिल करना है, इसको सोचना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग कमजोर हुए, और जब हम लोग कमजोर हुए तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह बैठती है कि अपनी कमजोरी को दूर करें। पिछले कुछ समय से हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में भी कमजोर हुए, तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले बैठती है कि उन कमजोरियों को ध्यान रखते हुए उन पर काम करते हम लोग ताकतवर बने। आज आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, लेकिन उपस्थित होने से काम नहीं चलेगा। एक दिन अगर आप रैली या सभा करोगे तो आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी। जब आप 365 दिन सत्ता के लिए काम करोगे, मेहनत करोगे, तन मन धन से जुट जाओगे, तब जाके सत्ता आपके हाथ में आएगी। और जिस दिन सत्ता आपके हाथ में आएगी तब कोई आपके साथ अन्य अत्याचार नहीं करेगा, तब कोई जो है आपकी जमीन नहीं दबाएगा, तब कोई जो है आपके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब जाके आपने मुझे सुनने का मन बनाया, मैं जब देख रहा हूं तो मेरे चारों तरफ, चाहे आगे हो या पीछे, दाएं हो या बाएं, दीवार पर हो या कुर्सियों पे या मकानों पे, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। जितने जिम्मेदार लोग मंच पे हैं उतने ही जिम्मेदार लोग सामने भी बैठे हैं। इस देश का शासक वर्ग बनकर ही खुलेंगे। इस देश में गुलाम बनने के बाद, गुलाम बने रहने के बाद आप इस देश में मोहताज बने रहेंगे, उससे आपकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। नौजवान साथियों, आज हालत यह है, निजीकरण करके सारे सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। आज हालत यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हालत यह है कि महंगाई बढ़ रही है। आज हालत यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर पड़ रहा। आज हालत यह है कि अन्य अत्याचार होता है तो रिपोर्ट लिखाने के लिए थानों के बाहर धरने देने पड़ते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। जब जिस दिन हम लोग अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे उस दिन ना अन्य अत्याचार होगा और ना ही देश बर्बाद होगा। हम इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के रहने वाले, हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया कि हम प्रथम वर्ग के भारतीय हैं और हमें अपने भारत के सम्मान के लिए, उसकी तरक्की के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि अब हम सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तो निकल चुके हैं, लेकिन जिस संघर्ष के बदौलत सत्ता हमारे हाथ में आएगी, यानी कि संगठन निर्माण और निकम्मी सरकार ने जो झूठे जो है वादे और दावे किए हैं उनको जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि सरकार के लोगों ने, प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़